इंग्लिश और एसएस ये सब पढ़ाते थे और मुझे इंग्लिश के बारे में इतना गहराई से ज्ञान नहीं था। मैंने ऐसे ही जैसे क्लास में पढ़ाते थे इनको थोड़ा सा अटपटा लगता था। मैं कहता था कि सर जी मैं भी आपकी क्लास है, मैं बैठना चाहता हूँ पीछे। तो पीछे बैठ के मैं इनका जो व्यव था, बोलने का ढंग था, जो इनका पढ़ाने का तरीका था, वो मैंने फॉलो किया और मैं उसमें 100% अपने जीवन में सक्सेसफुल रहा हूँ। मैंने इनकी नकल मार मार के उन बच्चों को लगभग 15-16 साल पढ़ाया और वो बच्चे बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां लगे हुए हैं। कोई DSP लग रहा है, कोई SHO लग रहा है, लड़कियां बहुत सारी, तकरीबन हर दूसरा तीसरा बच्चा सर्विस के अंदर है। और हमारा सफर यहाँ, मैं इनके कारण इन्हीं से पूछ के आया था लगभग 3 साल पहले। 3 साल का सफर बहुत बढ़िया गुजरा यहाँ पर रह के करके उसमें हमारा मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो जीवन है अब मैं तो वो 55 साल का हो गया। मेरा आखिरी स्टेशन लगता है, आखिर कोई और स्टेशन नहीं है मेरा। तो मैंने जो जीवन में सीखा है ना, इन सबसे बहुत कुछ सीखा और आज ये मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं तो दिल से सच्ची आत्मसिद्ध करता हूँ, कोई दिल में कोई छल कपट नहीं है, कोई हुआ नहीं है। वो कहते रहे सच्ची आत्मा और सच्चे इंसान बहुत कम मिलते हैं और वो सड़कों का नहीं मिलते, वहाँ बहुत कम नजर आते हैं। और सच्ची मैंने इनका गर्व है। और आपको देखो आज हम लास्ट हैं, इसके बाद शायद हम कहीं आगे दोबारा ना मिले, ठीक है ना बच्चों। लेकिन फिर भी प्रेरणा हो ना, जो प्रेरणा मन के अंदर एक एक दिन एक एक बच्चे के सब में याद हो तो किसने क्या सिखाया। तो मैं इनके मार्गदर्शन में चलता हुआ आज तक सफल रहा और मेरे अंदर भी पूरा कॉन्फिडेंस हो गया। मेरे पढ़े हुए बच्चे आज बड़े बड़े पोस्टों पर, इनकी इनके पढ़े पढ़े लिखे थे पढ़े लिखे बच्चे तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर, ये तो कहते भी दिखे मैं नहीं, लेकिन मैं तो कह दी उम्र पोस्टा तो होता था। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत बड़े लग रहे हैं, मेरा भी बहुत कॉन्फिडेंस है और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। मेरा तो खड़ा आपकी पहले 2 साल लड़कियों में 100% रिजल्ट रहा और तीसरे साल भी 100% रहा। और इस स्कूल से हमने बहुत कुछ सीखा है जी, इसके लिए मैं श्री सचिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें कोई लाल रुपये वाली बात नहीं, सही बात, सच्चे दिल से सच्चे मन से, ठीक है ना।